Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7th R.D. Sharma Maths. अभी तक students हमने R.D. Sharma Maths नहीं बताई, अब आज हम आपको R.D. Sharma Maths class 7th जो है chapter 8 linear equation in one variable, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट जानेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन हम आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए, अभी तक हमने ये जो कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, जैसे 9 + 5 = 14, 2 × 3 + 7 = 2 × 3 + 2 × 7, इस तरीके के हमने कुछ स्टेटमेंट जो है देखे थे स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इन स्टेटमेंट में क्या है, इक्वल का सिंबल तो है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी स्टूडेंट्स वेरिएबल नहीं है। हम वेरिएबल को लिटरल भी बोलते हैं, इनमें कोई भी लिटरल या वेरिएबल नहीं है। इन दोनों में देखिए, ए में और बी में, इनमें कोई भी एक्स या वाई, कोई भी वेरिएबल नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर इनमें वेरिएबल नहीं होता है तो हम इनको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, और सिंपली हम इनको बोलते हैं एन इक्वालिटी। इनको ये बोला जाता है कि ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, और या हम इनको सिंपली कहते हैं एन इक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई वेरिएबल या लिटरल नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखिए, कुछ स्टेटमेंट की बात हम करते हैं, 3 added to x is 8। अगर हम बात करें कि 3 added to x is 8, तो अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे कि x + 3 = 8। फिर अगर सेकंड स्टेटमेंट है 5 subtracted from a number y is 12, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे y - 5 = 12। तो अगर स्टूडेंट किसी स्टेटमेंट या किसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी में या किसी इक्वालिटी में अगर नंबर के साथ साथ एक वेरिएबल भी, एक या एक से अधिक वेरिएबल आते हैं, तब हम बोलते हैं उनको इक्वेशन। देखिए, फिर हमने ये जो स्टेटमेंट वहां पे दिए थे इनको यहाँ फिर लिख दिया। देखिए, बी ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर लिटरल्स, इनमें एक या एक से अधिक लिटरल्स या वेरिएबल्स हैं, तो सच स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी आर कॉल्ड इक्वेशंस। तो इस तरीके के स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस। तो इक्वेशन की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं स्टूडेंट, के स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व वन और मोर लिटरल्स या वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो इस तरीके से ये हमारे इक्वेशन की डेफिनेशन है, जो कि इन सब में देखिए कोई ना कोई वेरिएबल है, ठीक है। पहले वाले में x + 3 = 8, जहाँ एक्स एक वेरिएबल है, y - 5 = 12, जहां पर y वेरिएबल है, फिर x + x² = 20, यहाँ भी x वेरिएबल है। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन और इक्वालिटी दोनों की डेफिनेशन हमने आपको बता दी। अब इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, अब देखिए, जैसा इसका नाम है लीनियर, यानी अगर एक्स की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर वन है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इज वन is called a linear equation. For example, 3x - 7 = 5. ठीक है? तो ये दिया है student, 3x - 7 = 5. तो अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो equation दी गई है, इसमें दो side हैं, एक LHS है और एक RHS है। देखिए, ये equation लिखा हुआ है हमारा 3x - 7 = 5. ठीक है? तो इसकी left hand side क्या होगी? जो left side में लिखी है, वो left hand side है। ठीक है, यानी ये देखिए, ये इक्वल का साइन है, ये कहलाती है राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड की साइड में होती है इक्वल की, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगी वो LHS होगी, और जो राइट हैंड साइड में होगी वो RHS होगी। तो ये 3x - 5 और राइट हैंड साइड कितनी होगी, 5। दूसरी इक्वेशन अगर हम लिखे, मान लीजिए x = 5, जिसका LHS x है और RHS 5 है, ठीक है। तीसरी इक्वेशन अगर हम लिखें स्टूडेंट्स, x / 5 = 3, तो इसका LHS क्या है, x / 5 है, RHS क्या है, 3 है। तो इस तरीके बहुत सारे इक्वेशन लिख करके हम जो है उनको बता सकते हैं, कि क्योंकि किसी भी इक्वेशन में स्टूडेंट्स दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है।
वो डिसाइड होती है इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, उसके राइट में राइट हैंड साइड। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसमें क्या है, अ नंबर, ठीक है, विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन एन इक्वेशन मेक्स LHS इक्वल टू RHS। जब भी हम वेरिएबल की कोई वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन एन इक्वेशन मेक्स LHS, और जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे, इज सेट टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन, इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन और अ रूट ऑफ द इक्वेशन। उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं इक्वेशन के, रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू 3 है, तो ये हमें दिखाना है कि क्या x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए LHS पहले हम लिखेंगे, तो LHS इज इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन LHS, ठीक है, तो LHS में इसको हम पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3, ठीक है, माइनस 3, तो ये आ गया 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, ठीक है। अब RHS हमें दिया है, RHS क्या है, RHS दिया है 3, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, सो x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या गिवेन इक्वेशन या इक्वेशन जो भी दी गई है वो लिख सकते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, सो x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 में, तो जो अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया वही इसमें करना है। देखिए x इज इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ द इतना, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब ये हम सबसे पहले लिखेंगे और x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। LHS इज इक्वल टू कितना है, 3x माइनस 5, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 4 माइनस 5, तो 3 इंटू 4 आप करेंगे तो आएगा 12 माइनस 5, कितना आ गया, ये आ गया आपका 7, ठीक है। और RHS कितनी है हमारी, RHS इज इक्वल टू 7, ठीक है, इट इज गिवन, ऑलरेडी गिवन, RHS इज इक्वल टू 7, सो हेंस इट इज वेरीफाइड। ये भी स्टूडेंट हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा सिंस, या ऐसा लिख दीजिए सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, hence x is equal to 4 is the, ठीक है, is the root of 3x minus 5 is equal to 7। इस तरीके से इसको करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, ये इक्वेशन हमें दी गई है, तो ये इसकी LHS है, तो पहले हम LHS लिख देंगे, तो LHS इज इक्वल टू कितना है, 5 प्लस 3x, ठीक है, ये हो गया LHS इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 3, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 5 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9, तो 5 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ गया 14, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, ये RHS हमारी कितनी दी गई है, 14, ठीक है। तो अब यहां पर हम लिख देंगे सिंस
एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, और फिर ये लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब बाकी आप डिटेल में लिखते जाइए, ठीक है, हम यही शॉर्ट में लिख दिया हमने हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक दो और हम आपको बताए दे रहे, बाकी सब एक जैसे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए थर्ड में क्या है, ये है x इज इक्वल टू टू इज द रूट ऑफ द इसके, ठीक है। तो इसकी पहले हम एल एच एस फाइंड करेंगे, तो एल एच एस क्या है, थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है। तो इसमें पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा थ्री इंटू टू माइनस टू, तो ये हो गया सिक्स माइनस टू इक्वल टू कितना आ गया, फोर आ गया। अब आर एच एस में भी सेम, आर एच एस लिख लीजिए कितना है, देखिए ये है एट एक्स माइनस ट्वेल्व। अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो x इंटू टू माइनस ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा 16 माइनस ट्वेल्व कितना आ गया, 4 आ गया स्टूडेंट्स। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस, ठीक है, वेरीफाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके से ये वाला है, देखिए फोर्थ वाला है, ठीक है। अब इसकी एल एच एस लिख देंगे, पहले हम एल एच एस क्या है, देखिए एल एच एस है थ्री एक्स अपॉन टू, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हमें पुट करना है एक्स इज इक्वल टू फोर, ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए थ्री इंटू फोर अपॉन टू, तो 12 अपॉन 2 आ गया, तो 12 अपॉन 2 कितना है, 6 है, ठीक है। और आर एच एस कितना है, आर एच एस भी हमारा 6 है, ठीक है। तो बस ये हम लिख देंगे स्टूडेंट्स, एल एच एस इज इक्वल टू, तो देखिए कितने इजी हैं, तो इस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये हो जाएगा हेंस वेरीफाइड, क्या हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस स्टूडेंट आपको करने थे, तो इससे रिलेटेड हमने आपको फोर क्वेश्चंस बता दिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, थैंक यू स्टूडेंट्स।